हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उपाध्याय पीहू 2929 पर। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मलाई से घी कैसे निकाला जाता है, और मैंने साथ साथ में आप लोगों को कहा भी था कि मैं वीडियो शेयर करूंगी जो घी निकालने के बाद मलाई बच जाती है तो उससे आप मिठाई कैसे बनाइए। आइए बनाते हैं। पहले से आप देख सकते हो मलाई में काफ़ी घी रहता है। अगर आपको लगता है कम है तो आप 1 स्पून और डाल सकते हैं। और उसमें मैंने पूरा फुल दूध नहीं लिया है, मैंने थोड़ा कम दूध इस पर डाल दिया है। और उसमें मैं 2 इलायची को अच्छे से पीस रही हूँ, कूट रही हूँ, ताकि उसका फ्लेवर जो फ्रेगनेंस आता है ना, खुशबू बहुत अच्छी रहती है। तो मैं इसे मलाई के साथ डाल दूँगी ताकि एकदम ये मिल्क मेड मिठाई जो होती है वैसे फ्लेवर आता है इसका। तो देख सकते हैं 1 वीक का जो मलाई होता है वो मेरे पास बचा हुआ था, जिसे मैं घी निकालने के बाद ऐसे ही मिठाई बनाती हूँ। और इसमें आप इलायची थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हो, दूध थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो अगर आपके पास मलाई थोड़ी ज़्यादा है तो। वैसे 1 ग्लास मतलब इनफ हो जाता है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर, और ये आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिए, पर मैंने जितना डाला है उतना ही, मतलब आप 4 to 5 स्पून जो रहता है आप इस पर ऐड कर लीजिए, वो काफ़ी इनफ होता है, मतलब अच्छा सा टेस्ट देता है। और देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी घी दिख रहा है, तो मैंने इस पर घी ऐड नहीं किया। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, जिससे काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है घी निकालने के बाद वो मलाई को वेस्ट कर देते हैं, मतलब बची हुई जो मलाई होती है। तो मैं उनके लिए स्पेशली वीडियोस बना रही हूँ। आप देख सकते हैं गाइस, आपको मलाई और मिल्क और ये इलायची का फ्लेवर अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मलाई के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा यम्मी सा हो। और आपको तब तक इसे चलाते रहना है जब तक कि ये दूध कम ना हो जाए, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब ना हो जाए। और आपको फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है, बिल्कुल हाई पे मत बनाइए, क्योंकि नीचे से जल जाता है तो उसका टेस्ट ना बहुत ख़राब हो जाएगा। तो देख सकते हैं गाइस, अभी ये थोड़ा थोड़ा घी छोड़ने लग गया और अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, और इसका टेस्ट यकीन मानिए बहुत ही लाजवाब होता है। और जब भी मैं घी निकालती हूँ तो सबसे ज़्यादा वेट रहता है मेरे हस्बैंड को कि पीयू मिठाई बनाएगी और वो खाते हैं। और देख सकते हैं गाइस, मेरी होममेड मिल्क मिठाई बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। मैं इसे प्लेट्स में निकाल दूंगी, और अगर आप चाहो तो इसे शेप भी दे सकते हो और ठंडा होने पे फ्रिज पे स्टोर करके भी रख सकते हो। गाइस ये बहुत ही यम्मी होता है। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय।